तो आज हम साइंस में पढ़ेंगे हार्मोन और एंजाइम। हार्मोन को निकालने वाली ग्रंथियां कौन सी होती है, यानी कि ग्लैंड कौन से होते हैं, और एंजाइम को निकालने वाले ग्लैंड कौन से होते हैं। तो शुरू करते हैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो ग्रंथियां निकालती है, ग्लैंड्स निकालती है, ताकि कोई भी ऑर्गन क्या हो, हमारा फंक्शनल हो सके। तो हार्मोन किसी भी ऑर्गन को फंक्शनल बनाने के लिए यूजफुल है। तो पहला पॉइंट हम इसमें ऐड कर देंगे, हार्मोन्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्गन्स फंक्शनल। सेकेंडली हम इसमें देखेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? सेक्रेटरी सेल्स निकालती है, सेक्रेटरी सब्सटेंस होता है, और वो किसी भी ऑर्गन को फंक्शनल बनाने के लिए यूजफुल होता है। सेकेंडली हम यहाँ पे इसका अगर सेकेंड पॉइंट देखें तो हार्मोन क्या होता है, वेदर इट कैन बी प्रोटीन, वेदर इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, और वेदर इट कैन बी फैट। तो सेकेंड पॉइंट इसमें हम ऐड कर लेते हैं, हार्मोन कैन बी आइदर प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट। दो पॉइंट्स इसमें हमने ऐड कर लिए। थर्ड क्वेश्चन अराइज करता है कि हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में निकालता कौन है। तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि निकालती है, एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड निकालता है, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हिंदी में हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जिनमें सिक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, फिर आगे चल के हमारी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, फंक्शनल बनाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात आती है तो आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स और उनको निकालने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो हार्मोन के बारे में मैंने तीन पॉइंट्स लिखा दिए। हार्मोन्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्गन्स फंक्शनल। सेकंड, हार्मोन कैन बी आइदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट। थर्डली, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हमारी बॉडी में मौजूद होती है और उसका क्या फंक्शन होता है। From the head to the toe, there are various endocrine glands present in the body. Firstly, we will start from the head, and the topic here is endocrine gland. Endocrine gland. We will start from the head. Starting from the head portion, the first endocrine gland here is hypothalamus. The second endocrine gland is pituitary gland. And the third endocrine gland is pineal gland. These three glands, or we can say endocrine gland, are present in the head portion of our body. Then starting from the head portion, the first is hypothalamus, which is also called supermaster gland. Supermaster gland, it is called supermaster gland. Supermaster gland. And the second one, pituitary gland, it is called master gland. Master gland. The reason why it is so called, we will come to know it in the future lectures.
द थर्ड इज पीनियल ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द पिट्यूटरी ग्लैंड. आफ्टरवर्ड्स देयर आर एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक पोर्शन. The endocrine gland located in the neck portion is thyroid gland. We must have heard about the thyroid gland which releases thyroxine hormone. Thyroxine hormone. Thirdly, in the chest portion there is an endocrine gland named thymus gland. This thymus gland has a very special feature. It maintains the immune system or it balances the immune functioning of a body. And the hormone present in this gland or the secretion of hormone by this gland is vary with age. Thirdly, in the kidney section or above the kidney lies a gland known as adrenal gland. Secondly, in the pancreas that is located just above our stomach or just below or by the adjacent of our stomach, there lies a pancreas. The pancreas is also an endocrine gland and it is called pancreatic gland. Pancreatic gland, or we can say pancreas. Last, we will study that the last endocrine gland is located in the reproductive organs. So, last endocrine gland present in our body is reproductive gland. Reproductive gland. So, these are all the endocrine gland which produces hormones in the secretory cells present within them. In the head portion, we have studied about the three endocrine gland, that is hypothalamus, second it is pituitary gland, and the third is pineal gland. Hypothalamus itself is called supermaster gland and the pituitary gland is called master gland. There is a reason we will study in the future lectures. Secondly, in the neck portion, there lies a thyroid gland, which is also endocrine gland. Thyroid gland contains or secretes thyroxine hormone. In the chest portion, there is thymus gland. Thymus gland responsible for the functioning of immune system. Secondly, after the chest portion, there is a kidney above which there lies the adrenal gland, which is also an endocrine gland. Lastly, there lies a pancreas just below the stomach, which is also an endocrine gland. And lastly, reproductive gland, these all constitutes our endocrine gland in our body. So these are the endocrine glands. Now we will come to know about the hormones they release and their function, how they regulate the system of our body. First comes the head portion. As we already know, the first endocrine gland in the head portion is hypothalamus. It is also called supermaster gland. It doesn't have any functions, neither do it releases any hormone. It just regulates the pituitary gland and orders the pituitary gland
दैट हाउ टू रिलीज एंड व्हेन टू रिलीज द हॉर्मोन्स. सेकेंड कम्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट टुक द ऑर्डर फ्रॉम द सुपर मास्टर ग्लैंड. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. And one more feature about pituitary gland is, it is the smallest endocrine gland. It is the smallest endocrine gland of the body. Smallest endocrine gland of the body. So I have told it earlier also that hypothalamus do not have any function, neither do it releases any hormone. It is just called supermaster gland because it gives orders to master gland. Then comes pituitary in the head portion. Pituitary gland, it is called master gland and it is the smallest endocrine gland of the body. Now we will study about the hormones released by the pituitary gland. The hormones released by the pituitary gland is, first of all, growth hormone. As the name indicates, it is responsible for the growth of a human body. So we will directly say that the less the growth hormone, the more dwarf is the human body. यानी कि जितना कम growth hormone होगा हमारी body में, उतना ही बौना क्या होगा, व्यक्ति होगा. Second, the hormone released by the pituitary gland is oxytocin. Oxytocin. Oxytocin is also called birth hormone. जन्म देने वाला hormone, birth hormone. Or we can say milk ejecting hormone. Third hormone released by the pituitary gland is vasopressin. Its second name is ADH, anti-diuretic hormone. Vasopressin or anti-diuretic hormone. It regulates the formation of urine in our body. So pituitary gland releases three hormones. It is also called master gland. It is the smallest endocrine gland of the body. And it releases three hormones. Mainly the first is growth hormone, which is responsible for the growth of the body. Second is the oxytocin, which is also called birth hormone or milk ejecting hormone. Third is vasopressin, which regulates the formation of urine in our body or regulates the kidney or regulates the formation of urine in our body. So, pituitary gland releases three hormones which we have studied. Thirdly, in the head portion, below the pituitary gland comes the pineal gland. So, we will study about pineal gland. Third gland in the head portion is pineal gland. It is just situated below the pituitary gland. The pineal gland releases two hormones. First hormone is serotonin and the second hormone is melatonin. Serotonin, as the name indicates, is responsible for our mood. When the mood is good, we will say the quantity of serotonin is more. When the mood is bad, we will say the quantity of serotonin is less in our body. Second hormone released by the pineal gland is melatonin. Melatonin helps in the biological clock of our body. Helps in the biological clock of our body.
बायोलॉजिकल क्लॉक हेयर मीन्स कि इफ अगर हम 9:30 बजे सो रहे हैं तो ये हार्मोन 9 बजे से निकलना स्टार्ट हो जाता है, और 9 बजे से निकलने के बाद धीरे धीरे 9:30 बजने तक हमारा ये मेलाटोनिन क्या होता है हार्मोन, एक तरह से अपना पूरा निकल चुका होता है, जिस वजह से हमें नींद आ जाती है। इट मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर स्लीप। अगर ये रिलीज नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, ये रिलीज होगा तो हमें नींद आ जाएगी। तो मेलाटोनिन क्या होता है, हमारी नींद के लिए ज़रूरी होता है। अगर बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, इट मीन्स हमारी नींद हमें समय से आ जाएगी और हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो मेंटेन रहेगी। तो हेड पोर्शन में हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ लिए, फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड इज पीनियल ग्लैंड। वी हैव स्टडीड अबाउट द फंक्शंस एंड द हार्मोन्स रिलीज बाय देम। तो हेड पोर्शन इज कंप्लीटेड। सेकंड आई हैव टोल्ड इन द नेक पोर्शन, सेकेंड आई हैव टोल्ड इन द नेक पोर्शन देयर लाइज अ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड कंटेन्स आयोडीन, सो हेयर कम्स अ डेफिशिएंसी, सो हेयर व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज प्रेजेंट इन द थायरॉयड ग्लैंड, और इफ वी हैव द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर थायरॉयड ग्लैंड देन इट लेड्स टू अ डिफेक्ट कॉल्ड गॉइटर। सो क्वेश्चन हियर अराइजेस, गॉइटर इज अ डिफेक्ट और अ डिजीज विच हैपन्स बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच सॉल्ट, सो इट्स आयोडीन। सेकेंडली थायरॉयड ग्लैंड रिलीजेस थायरोक्सिन हॉर्मोन। इट हेल्प्स टू मेंटेन कैल्शियम लेवल इन अवर बॉडी, मेंटेन कैल्शियम लेवल ऑफ बॉडी। थर्ड हेयर कम्स इन द चेस्ट, आफ्टर थायरॉयड ग्लैंड वी विल कम अप टू द चेस्ट। चेस्ट कंटेन थाइमस ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स थाइमोसिन हॉर्मोन। एंड दिस थायरोसिन हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून फंक्शनिंग। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जितना ज़्यादा थायमोसिन हार्मोन रिलीज होगा उतना अच्छी हमारी इम्यूनिटी होगी। सो वी हैव स्टडीड इन द चेस्ट पोर्शन, देन कम्स द एड्रिनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट जस्ट अबाउट द किडनी। एड्रिनल ग्लैंड इट रिलीजेस कॉर्टिसोल हार्मोन। इट इज कॉल्ड 3F हार्मोन, 3F इन द सेंस फाइट फियर एंड फ्लाइट। तो कॉर्टिसोल हार्मोन वर्क्स ऑन अवर फियर, डर पे काम करता है। अगर हमें डर नहीं लगेगी तो हम भागेंगे नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। अगर शेर सामने आता है और थायमोसिन हार्मोन नहीं निकलता है तो हमें डर नहीं लगेगी और शेर हमें खा जाएगा। तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे डर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डर नहीं लगेगी, डर एक पॉजिटिव थिंग चीज़ है, डर इज़ अ पॉजिटिव थिंग। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन निकालता है। कॉर्टिसोल हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन, दैट इज फाइट फियर एंड फ्लाइट, बिकॉज
कॉर्टिजोल हार्मोन नहीं निकलेगा तो हमें डर नहीं लगेगी, डर नहीं लगेगी तो शेर हमारे सामने आ जाएगा और हम डर के मारे भागेंगे नहीं और शेर का शिकार बन जाएंगे। उसके बाद द सेकेंड लास्ट इज पेनक्रियास। हेयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द पेनक्रियास, इट इज मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। The hormones released by pancreas is insulin. Insulin maintains blood sugar level. Maintains blood sugar level. तो पैनक्रियास को मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन भी निकालता है एट द सेम टाइम ये एंजाइम भी निकालता है। पैनक्रियास इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालता है जो कि हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा बॉडी में तो जो हमारा ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगा और इट विल रिजल्ट इन द डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर कम्स इन द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड रिलीजेस टू हॉर्मोन्स, फर्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन, दैट इज अ मेल हॉर्मोन, मेल हॉर्मोन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टर्स। सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड रिलीजेस टू हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन दैट इज अ मेल हॉर्मोन एंड द सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन दैट इज द फीमेल हॉर्मोन। And these both hormones are responsible for primary and secondary sexual characters. So endocrine gland consists of all these glands and the hormones released by them are used in the functioning of our body or to make our organ functional. That's it.